गीता में हम बहुत पढ़ते हैं कि फल की इच्छा के बिना, आसक्ति के बिना कर्म होना चाहिए, लेकिन आदमी का यह स्वभाव है, ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि आसक्ति के बिना भला कर्म कैसे हो सकता है। और क्योंकि हम ये मानते हैं कि जीवन में काम करना है और कुछ पाना है, काम करना है और पाना है और एकत्र करना है, और इस तरह से हम ये उपलब्धियों की गठरी को बढ़ाते चले जाते हैं, और जीवन के आखिर में ये पता चलता है कि हम ने जीवन को, इस खूबसूरत जिंदगी को पूरा नहीं किया बल्कि दम तोड़ा है। क्योंकि हम इस संग्रह में इतने ज्यादा रम जाते हैं। अब उसका एक तरीका बताते हैं भगवान श्री कृष्ण। वो ये कहते हैं कि एक काम करो, आसक्ति छोड़ने के लिए मुझे अर्पण कर दो सारे कर्म, जो कुछ कर रहे हो कि भाई मैं ये आपके लिए कर रहा। तो आज तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक है, यही समझने की कोशिश करेंगे। श्लोक इस प्रकार है, मई सर्वाणी कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरे। मई का मतलब मेरे, सर्वाणि कर्माणि ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज, सन्यस्य अर्पण करके, गिविंग अप कंप्लीटली, कैसे, अध्यात्म चेतसा विवेकवती बुद्धि के द्वारा, विद कॉन्शियस नॉलेज ऑफ सेल्फ, और इसके अलावा कामना रहित, विदाउट डिजायर फॉर प्रॉफिट। एक बात और कहते हैं, निर्ममो, निर्मम यानी कि मेरा नहीं है, ममता रहित, विदाउट प्रोप्राइटरशिप, भूतवा होकर, सो भी क्या करें फिर, युद्धस्व युद्ध रूपी कर्म को कर। अर्जुन के लिए युद्ध था, हमारे लिए रोजमर्रा का कर्म है, यानी कि फाइट। और आखिर में एक बात और कहते हैं, विगत ज्वर विदाउट बीइंग फीवरिश, फीवर कहां से आ गया, बुखार कहां से आ गया, ज्वर कहां से आ गया इसमें। तो ज्वर किस कारण से होता है, ये हम इससे व्याख्या के आखिर में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस श्लोक का यदि हम पूरा अर्थ लें तो वह इस प्रकार से हुआ, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। दाई एक्शंस ऑल then turn to me and on the self thy concentration, then battle on with mind kept free of desire, pride and dejection. शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ आदि पर हमारा अधिकार चलता नहीं है, क्योंकि ये शरीर और शरीर को पालने वाली चीजें सब प्रकृति की दी हुई है। प्रकृति हमें चीजें मुफ्त देती है, लेकिन आदमी उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ले लेता है, इकट्ठा करने के चार्जेस, और ये कहता है मेरी सब्जी है, मेरी वस्तु है। एक बात हो, जब हम सोचते हैं कि कर्म फल तो देंगे ही, इसलिए बंधन कारक होए, तो अच्छा नहीं होगा कि हम कर्म करें ही ना, न कर्म करेंगे न बंधन होगा। अब ये देखें, कर्म के बिना तो संसार चल नहीं सकता, तो एक और रास्ता है, वो रास्ता है कि जब हम जो कुछ करें वो यदि परमात्मा को अर्पण कर दें तो फिर कर्म बंधन कारक नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर अध्यात्म चेतसा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि कर्म का उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए, सांसारिक नहीं। आदमी के मन में उद्देश्य रहना चाहिए,
कामना नहीं। संसार और प्रकृति दोनों भगवान के हैं, मैं भी भगवान का हूं और मेरी कहलाने वाली सारी वस्तुएं भगवान की हैं। इस प्रकार सब कुछ परमात्मा के अर्पण कर देना चाहिए और अपनी ममता उठा लेनी चाहिए। इसके बाद साधक को कुछ चाहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, उसकी व्यवस्था वह स्वयं करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हम भगवान को अर्पण करते हैं चीजें या उनकी पूजा करते हैं तो उनको क्या मिलता है? चलो हमें तो कर्म बंधन से मुक्ति मिलेगी या चीजें मिलेंगी, तो देखिए भगवान को इससे कुछ सहायता नहीं मिलती। जैसे छोटा बच्चा है, वो आंगन में खेल रहा है, उसको एक चाबी गिरी हुई मिलती है, वो चाबी को उठाता है और अपने पिताजी को ले जाकर के दे देता है। अब बच्चा भी पिताजी का, आंगन भी पिताजी का और चाबी भी पिताजी की, फिर भी पिताजी को खुशी होती है और वो कहते हैं इतना बड़ा हो जाए। तो पिताजी चाबी को लेकर के खुश नहीं हुए, बच्चे का देने का भाव देखकर प्रसन्न हुए। तो हम भी परमात्मा के बच्चे हैं, जब हम परमात्मा के लिए कर्म करते हैं तो प्रसन्न होते हैं। और इसीलिए जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक सामग्री है वो प्रकृति हमें बड़ी प्रचुरता से देती है और उसका प्रयोग करने के लिए हमें विवेक मिला है। प्रकृति बहुत इंटेलिजेंट है, हमें जिस चीज की जरूरत है वही, जैसे हम सोचिए अगर दुनिया में सोना लोहे की जगह होता तो सोने से तो हम कुछ भी नहीं बना सकते, फैक्ट्रियां नहीं बना सकते, मशीन तो ज्यादा है वो लोहा है, कम है वो सोना है। तो कुदरत की अपनी एक टोटल इंटेलिजेंस है, इतना सरल सिस्टम नहीं है। अब एक सवाल और उठता है कि कामना नहीं करेंगे तो कर्म कैसे करें? कुछ ना कुछ ड्राइव तो होना ही चाहिए कर्म करने के लिए। तो उसके लिए कर्म हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो कामना की पूर्ति के लिए और एक कामना की निवृत्ति के लिए। ये जो ड्राइव है ये तो कर्म करने से खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा उद्देश्य कामना की पूर्ति नहीं होना चाहिए, कामना की निवृत्ति के लिए कर्म करना है। संपूर्ण कर्म और पदार्थों को भगवान को अर्पण करने के बाद भी थोड़ी बहुत ममता बाकी रह जाती है। जैसे हमने किसी को कोई किताब दे दी, जब पुस्तक पढ़ते हुए हम उसको देखते हैं तो हमारे मन में एक भाव आ जाता है कि मेरी पुस्तक पढ़ रहा है, यही ममता है जो पुस्तक को देने के बाद भी शेष है। इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से तीन बातें कहते हैं कि नई वस्तु की कामना मत कर और जो प्राप्त है उसमें ममता मत कर और जो खो गया उसका संताप मत कर। सब कुछ अर्पण करना तो यही हुआ ना, कामना भी अर्पण, ममता भी अर्पण और संताप भी अर्पण हो जाए। अनुकूलता से होने वाली प्रसन्नता और प्रतिकूलता से होने वाली उद्विग्नता या दुख, दोनों ही संताप अर्थात ज्वर यानी कि बुखार फीवर है। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में ये शब्द जोड़ा विगत ज्वर, निश्चिंत होकर। आज इतना ही। समझे अपना तू दुनिया का है वो उधार, जिसको समझे अपना तू दुनिया का है वो उधार, सेवा रूप व
वापस करके कर्म से एहसान उतार, सेवा रूप वापस करके कर्म से एहसान उतार, बचा खुचा संताप आप युद्ध खातिर हो तैयार, बचा खुचा संताप आप युद्ध खातिर हो तैयार। रण का निश्चय एक बार मोह जैसे बंधन तोड़, रण का निश्चय एक बार मोह जैसे बंधन तोड़, ईश्वर इच्छा मान लड़िए आशा ममता दोनों छोड़, ईश्वर इच्छा मान लड़िए आशा ममता दोनों छोड़।